वीतरागता का अर्थ क्या है? वीतरागता का अर्थ क्या है? ना जहाँ राग हो ना जहाँ द्वेष हो, इसका नाम क्या है? वीतरागता। तो देखो, अब जिनेन्द्र भगवान की तुम पूजा कर रहे हो तो वो वीतरागी भाव है कि राग भाव? राग भाव है, वीतराग भाव तो है नहीं। कि क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसे वीतराग भाव कहोगे तो फिर जिनेन्द्र भगवान को भी किसी की पूजा करनी पड़ेगी। ख्याल में है ना? जब मुनिराज सट आवश्यक करते हैं, स्तुति वंदना इत्यादि करते हैं, तब मुनिराज की शुभ भाव रूप प्रवृत्ति कही जाती है। तो उसे मुनिराज को शुभ भाव क्यों कहा? कि जे राग है, ये वीतराग भाव, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने का भाव आ गया, मंदिर जाने का भाव आ गया, भगवान की स्तुति करने का राग आ गया, शास्त्र लिखने का राग आ गया, तो ऐसे जो भाव हैं मुनिराज के, उन्हें शुभ भाव कहा। और उन शुभ भावों से आश्रव और बंध होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता। पकड़ में आया? तो मुनिराज को मोक्ष मार्ग है। एक किस आधार से है? कि जो उनके तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, जो उनके सम्यक दर्शन है वो तो है वीतरागता, वो है मोक्ष मार्ग। और जो उस काल में शुभ भाव आते हैं वे है संसार मार्ग, वे है बंध के कारण। इसलिए मुनिराज साफ साफ कहते हैं कि भाई ये जो स्वभाव रूप प्रवृत्ति है ये तो कसाय है। उसे काय में गिनते हैं? वो कसाय। उसे काय में गिनते हैं? यद्यपि मैं तो एक मात चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मुए उदय से। अब ये कौन कह रहा है? समय सार में आचार्य अमृत चंद देव के प्रथम में, शुरुआत में ये श्लोक लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो यद्यपि चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई। तो वो शुभ भाव को मलिन कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य अमृत चंद देव को कोई अशुभ भाव तो चल नहीं रहे। ख्याल में है ना? कौन से भाव चल रहे हैं? शास्त्र लिखने के, स्वाध्याय के, स्तुति करने के, है ना, ये भाव चल रहे हैं। उन भावों को क्या लिख रहे हैं वे? कि परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। देखा जाए